तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्म मेकर हर्षित। और आज का व्लॉग मैं यहीं पर शुरू करता हूँ। ये मैंने काफ़ी टाइम बाद व्लॉग कर रहा हूँ, और ये व्लॉग पूरा मैं बाहर जा रहा हूँ और यूनिवर्सिटी के किसी काम से। तो देखना यार, पूरा व्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है मेरे हिसाब से। हमने काफ़ी सारी मस्ती करी इस व्लॉग में। और ये पार्ट जो है ये मैं बाद में शूट कर रहा हूँ, जब मैं एडिट कर रहा था क्योंकि मैंने देखा कि स्टार्टिंग तो मैंने शूट ही नहीं कर रखी, तो ये बाद में शूट कर रहा हूँ। तो अभी जा रहा हूँ, देखते हैं आज क्या क्या होता है। और दीपक, तुमने कितने बजे आने के लिए कहा था? 11। और अभी टाइम देखा फोन, इसीलिए मुझे कुछ ट्रस्ट इशूज है इसके साथ। सो फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख सकते हो आज है सेकेंड डे ऑफ अनलॉक, और शायद ही लग रहा हो कि आज अभी कोई कोरोना वोरोना था, क्योंकि यहाँ पर अनलॉक 1.0 है, बट सब कुछ अनलॉक दिख रहा है। और सबसे ज़्यादा अभी है लगभग दोपहर के बज रहे हैं कुछ 1:43, और काफ़ी हद तक पब्लिक है बाहर। अभी इस बस की वजह से नहीं दिख रहा होगा कि कितना ट्रैफिक है, क्योंकि इस बस के आगे गाड़ियां हैं। अनलॉक 1.0 का सेकेंड डे है, और कोरोना था क्या शायद? देखो कहीं शायद पड़ा हो कोने होने में, कहीं कोरोना। और एक आठ मेट्रो का काम चल रहा है ऊपर, अभी काफ़ी हद तक बन गया, बट हाँ अभी बहुत सारा काम बाकी है। तुम्हें क्या लगता है कब तक चालू हो जाएगी? मेरे ख्याल से अगले साल के एंड तक हम लोग को शायद देखने को मिल जाए। हाँ, शायद कुछ रूट चालू हो सके, क्योंकि अभी आप आगे देख सकते हो ऊपर, लेकिन अगले साल बन रहे हैं। हाँ, अगले साल तक तो पक्का हो जाएगी। ऊपर देख सकते हो कि स्टेशन बन रहे हैं, अभी पीछे भी हमने देखा था एक और स्टेशन वहाँ पर बन रहा था। कुछ रूट पक्का चालू हो जाएंगे, और कुछ रूट शायद बाद में डिले चालू हो। इतनी तेज काम के लिए एफकॉन और यूपी गवर्नमेंट को बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि काम हद से ज्यादा हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर हम लोग 3 साल पहले आएंगे तो यहाँ पर जमीन पर भी कुछ शायद ना देखने के लिए मिलता, और अभी स्टेशन बन रहे हैं तो। और ये थोड़ी जगह पर नहीं हुआ, जो आप लोग देखो कि थोड़ा सा ही तो काम किया, बहुत सारा काम किया कानपुर में यूपी गवर्नमेंट ने, तो ऑल थैंक्स टू। और ये देखो, ये सारे स्टेशन वगैरह काफी सारे काम हो चुके हैं। और दीपक कुछ कह रहे हैं, बहुत कर दिया, मेरे को तो यकीन नहीं था कि ये कल नहीं था जो आप सामने देख रहे हैं, ये चीज कल नहीं थी, मैं कल आया था। ये ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सारी जगह ऊपर पुट्टी वगैरह होती है, शीशे वगैरह सब लग रहे हैं यहाँ तो। इससे पता चलता है काम बहुत तेजी से हो रहा है, और हम लोग टीम कर रहे हैं गवर्नमेंट काफी सारी चीजों के लिए, बट काफी सारी चीजें अच्छी भी हो रही है। लग गए ये देखो एसी वगैरह, मतलब बहुत सारे ऑफिसर्स भी हैं, मीन्स कुछ जो लोग बना रहे हैं उनके ऑफिसर्स हैं, तो काफी सारे काम चल रहे हैं। जो पूरा सबसे पहले बनना है ये तो मेरे को पता है, क्योंकि कल्याण का मेन स्टेशन है। मतलब थोड़ी थोड़ी दूर में स्टेशन था, अभी हम लोग एक ही ग्रुप बात करते करते दूसरे स्टेशन याद कर, और सामने दूसरा स्टेशन है ये देखो, ये सामने एक आदमी मिलते मिलते रहते तो इतने सारे स्टेशन है और काफी सारी फैसिलिटीज जल्दी कानपुर वालों को मिलना नहीं, बट हाँ अभी उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट हम थोड़े टाइम के बाद बहुत अच्छी चीज़ें देखने के लिए भी मिलेंगी। ये देखो यहाँ पर इस सारे स्टेशन पे तो उससे भी ज़्यादा काम हो चुका, क्योंकि यहाँ तो सब बंद मिल चुका। ये देखिए ऊपर ये जो फाइबर वर्क चल रहा है उस पर बस अब ये स्लीपर लिफ्ट ही हटती है, वो कानपुर मेट्रो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मुस्कुराइए आप कानपुर में। और ये देखो अब इसके बाद खत्म है, तो हमारे इन लोगों के लिए पोस्ट किया था जब कुछ टाइम पहले ही, उन्होंने कहा था कि मेट्रो लाइन बन चुकी है और अब आप लोग अपनी खुद की मेट्रो ला करके चला सकते हो। तो अभी की जो मेट्रो लाइन बनी हुई है कोई है वो आप लोग देख सकते हो, इसमें आप लोग खुद की मेट्रो से ला करके चला सकते हो, बट हाँ गवर्नमेंट की मेट्रो आपको थोड़े टाइम बाद देखने के लिए मिलेगी। सो फ्रेंड्स, जिस काम के हम लोग आए थे वो है रामा में इसका एडमिशन करवाना, हम लोग कॉलेज डिसाइड कर लिया, बट हाँ अब हम लोग डिसाइड करेंगे किस चीज में एडमिशन लेंगे। फाइनली वी आर हियर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि दीपक एडमिशन भी ले रहा है। हाँ, मैं 2 साल से ड्रॉपिंग कर रहा हूँ, इसने 2 साल ड्रॉप किए हुए, फाइनली एडमिशन ले रहा है। मुझे खुशी भी हो रही है लेकिन अजीब भी लग रहा है कि ये एडमिशन क्यों ले रहा है। सबसे स्ट्रेसफुल वर्क मिला है सर दीपक को, कि उसको ये पूरा फॉर्म फिल करना है, और देखो कितना बड़ा फॉर्म है। और ये तो छोड़ो, इसके नीचे और भी बहुत सारे पेजेस हैं, और दीपक का कहना कि इतना तो उसने पूरे 12th के एग्ज़ाम्स में नहीं लिखा था जितना इस फॉर्म में लिखना पड़ता है।
इतना इसने 12th के एग्जाम्स में नहीं लिखा था, और अभी धोखा होते होते बचा। अभी दीपक का एडमिशन बी एल एल बी में रहता है, बी बी एल एल बी की जगह पढ़ रहे होते हैं। थोड़ी देर भाई मेरा बाप बनेगा, थोड़ी देर एक फॉर्म भर चुके हैं और अभी ये देखो अभी तीन फॉर्म हो रहे हैं। ये सब कुछ भरते भरते आधे घंटे से ऊपर हो चुके हैं। बेचारा बैठा था, खड़ा हो गया लिखते लिखते, लेकिन फॉर्म नहीं खत्म हो रहे। हर थोड़े टाइम बाद हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यहाँ पर भरना क्या है। फिर से हम लोगों को पता चलता है अभी क्या है। सो फाइनली दीपक का एडमिशन हो चुका है। दीपक सबसे ज्यादा खुश होता फॉर्म भरने में। कब मिला है? कब मिला है? ड्रामा लिखा है और एक कप मिला 40,000 रुपए के बदले। 40,000 रुपए का यहाँ पर कट चुका है। और दीपक को चलती गाड़ी में चलते छोटा हाथी में वो पसंद आ गया, टेडी बियर। तो अभी हम लोग ये उनकी गाड़ी रुकवा करके लेने के लिए उतरे हैं। ये देखो अब फनी पसंद। दीपक तुमको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। गाड़ी रोक के उसने सामान खरीद रहा। थैंक यू। ऐसे हैं हमारे दीपक दीपक सर कि इन्होंने गाड़ी रुकवा करके सामान लिया। वो देखो वो भैया उधर जा रहे हैं और इन्होंने गाड़ी रुकवा करके इतनी चुल मची थी इनको कि इनको अभी लेना ही था। ऑल थैंक्स टू हिम। और वो भैया भी अच्छे थे कि उन्होंने गाड़ी रोक ली। और यहाँ पर कार को पता नहीं किस लिए खोल करके चेक किया जा रहा था, और अभी पता नहीं सारी कार को खोल करके चेक करेंगे या फिर केवल कुछ कार को। वी डोंट नो, शायद वो कमर्शियल कार है इसलिए भी हो सकता है, या फिर सिर्फ ऐसे की पता नहीं ऐसे दिन क्यों करी जा रही है। और अब उन लोग की गाड़ी का नंबर है। चलो चले जाओ। अब भी हम लोग की भी ज़्यादा कुछ है तो नहीं रहते। फाइनली डाल दो यार। एंड वी डोंट नो कि वो चेकिंग किस लिए थी, लेकिन काफ़ी सारे पुलिस वाले थे और बकायदा गाड़ी वाड़ी से उतर के चेकिंग करी। एक बच्चा हमारी गाड़ी में कुछ साफ नहीं, केवल गाड़ी का कवर था और एक पॉलिथीन पड़ी हुई थी। बड़ा लिटरली लोग डर जाते थे, उनकी गाड़ी में कुछ पड़ा होता और उनको याद ही नहीं होता। चप्पल अप्पल पड़ी हुई थी, हमारी गाड़ी में तो चप्पल वप्पल पड़ी हुई थी कुछ। गाड़ी में देखा गाड़ी कवर पड़ा है, चप्पल पड़ी है, बॉटल पड़ी हुई है जगह भर के। कुछ लोग गाड़ियों में सब्जियां वगैरह पड़ी होती तो फिर लोग डर जाते हैं कि ये कहां से है। तुमको यार आने के तो बना चाहिए था, दारू भी आगे मिट भी जा रहा था। कहां हुए हम लोग? अंडा चल खाने स्वर्ग आए हुए हैं। स्वर्ग अनलॉक में हम लोग स्वर्ग आए हुए हैं। ये अनलॉक में पहली बार है कि मैं जा रहा हूँ कुछ खाने बाहर का खाने। ये तो पहले भी जा चुका है। चलो अब हम जा रहे हैं। बाय बाय दीपक। दीपक बाय। इधर देखो, इधर देखो। बाय बाय। कॉलेज में अपना कॉफी पीते हुए। हाँ ये रहा इसका बैग। 7,10,000 2021 दीपक झड़क चाहिए। 7,10,000